गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी विल बी स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर फोर्टीन फ्यूचर टेंस सो एज यू नो वी हैव कंप्लीटेड विद द प्रेजेंट एंड द पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस अगेन इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू हैपन एनीथिंग एनी इवेंट व्हिच इज़ गोइंग टू हैपन्स कम अंडर फ्यूचर टेंस अभी हुआ नहीं है ना वो हो रहा है ठीक है ऐसा कोई भी इवेंट जो होने वाला है

फ़र्स्ट पर्सन जो है यहाँ पे दो लोगों के बीच की बातचीत है एक पर्सन कहता है आई एम सो स्लीपी एंड टायर्ड मैं बहुत ही स्लीपी फील कर रहा हूँ और मैं बहुत टायर्ड हूँ यानी थका हुआ हूँ ठीक है सो नेक्स्ट फ्रेंड क्या कहता है आई विल गेट यू सम कॉफ़ी सो वो दूसरा दोस्त क्या कहता है आई विल गेट यू सम कॉफ़ी यहाँ पे विल गेट है वो लाया नहीं है ना उसने दिया है ठीक है वो कहता है मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी ले आता हूँ ठीक है वो लाने वाला है ही हैड नॉट ब्रॉट द कॉफी टिल येट ना वो लाया है ना उसने उसे ऑलरेडी दिया है सो इन द सेकेंड सेंटेंस दिस इज द इवेंट विच इज गोइंग टू हैपन इट हैज नॉट दिस इज इज समथिंग दैट गोइंग टू हैपन द सिंपल फ्यूचर टेंस इज फॉर्मड विथ विल एंड शैल प्लस द बेस फॉर्म नाउ बेस फॉर्म का मतलब है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ओके विद आई एंड वी

सेंटेंस में अगर आई और वी हमारा सब्जेक्ट है सो वी कैन यूज विल और शैल ईद दोनों में से कोई भी एक ठीक है बाकी रेस्ट जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स आएंगे वेदर इट इज़ अ नेम ही शी इट वी यू दे उन सब के साथ आप क्या लगाएंगे विल लगाएंगे ठीक है आई और वी के साथ आप शैल यूज़ कर सकते हैं या फिर यू कैन सिंपली यूज़ विल also.

we will or shall you can use any of these uh, helping verbs aap koi bhi use kar sakte hain we will or shall know the result uh, in the next week hame hamara result agle hafte pata chal jayega i suppose india will win the match मुझे लगता है इंडिया मैच जीत जाएगा अभी जीता नहीं है it will be holy in the next week आने वाले हफ्ते में होली है सो so, होली आने वाली है इट इज नॉट इन दिस वीक अभी नहीं हो रहा है और पिछले हफ्ते के बारे में भी कोई भी बात नहीं हो रही है एज सिंपल एज दैट सो इफ वी ड्रॉ अ ड्रॉ अ टाइम लाइन सो आपको मैंने एक्सप्लेन करा था दिस इज पास्ट ऑन अ टाइम लाइन ऑल द इवेंट्स विच अकर हेयर एक टाइम लाइन में जितने भी इवेंट्स जो कि फ्यूचर में आ रहे हैं ठीक है इस तरफ आ रहे हैं ऑन योर राइट साइड इट कम्स अंडर सिंपल फ्यूचर टेंस ओके नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर एक्सरसाइज एक्सरसाइज नंबर वन द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर इन द सिंपल पास्ट फॉर्म यहाँ पे जो भी आपको सेंटेंस गिवन है वो पास्ट फॉर्म में है यू नीड टू चेंज इट टू सिंपल फ्यूचर टेंस फर्स्ट सेंटेंस ही वॉज नाइन येस्ट ठीक है यहाँ पे वॉज जो है वो पास्ट वाला हेल्पिंग वर्ब होता है वॉज एन वर एंड एंड येस्टरडे मतलब जो दिन बीत गया सो हाउ हैवी चेंज इज टू सिंपल फ्यूचर देखिए ही वॉज नाइन येस्टरडे को हमने चेंज करा है ही विल बी नाइन टूमोरो येस्टरडे हेज़ बिकम टूमोरो एंड वॉज को हमने चेंज करके विल लगाया है ओके लेट्स सी अनदर सेंटेंस वी वेंट टू बीच येस्टरडे हम बीच कल गए थे We will go went किस में चेंज हो गया go में एंड हेल्पिंग वर्ब हमने कौन सा लगाया है वी के साथ विल लगाया वी कैन use शाल also एज आई टोल्ड यू आई और वी के साथ हम शाल या विल दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं सो so, यहाँ हमारे सेंटेंस में वी है वी विल वेंट हैज़ become बिकम गो गो हमारा verb का बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म है टू द बीच yesterday वर्ड हैज़ बिकम tomorrow third sentence page number 72 my uncle arrived yesterday okay page number 72 third sentence my uncle arrived yesterday my uncle will will हमने use करा है as I told you I और we को छोड़ के इन दोनों subjects के अलावा कोई भी subject आएगा तो हम क्या लगाएंगे will यहाँ पर subject क्या है we are talking about my uncle सो माय अंकल के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया है विल अराइवड हमारा वर्ब है जो कि थर्ड फॉर्म में है उसको हमने चेंज कर दिया फर्स्ट फॉर्म में द वर्ड हैज बिकम अराइव एंड यस्टरडे हैज बिकम टूमोरो माई अंकल विल अराइव टूमोरो नेक्स्ट सेंटेंस वी सॉ द मूवी लास्ट नाइट वी विल सॉम बिकेम सी ठीक है सी हमारा फर्स्ट फॉर्म है वी विल सी द मूवी लास्ट नाइट क्या बन गया टू नाइट हम आज रात को मूवी देखेंगे ठीक है मूवी हमने देखी नहीं है रात अभी हुई नहीं हुई नहीं है आई रिटर्न द बुक लास्ट वीक मैंने पिछले हफ्ते किताब रिटर्न कर दी यहाँ पे सिंपल पास्ट है अब इसे हमने कैसे चेंज करा आई विल रिटर्नड वर्ड जो है क्या बन गया रिटर्न फर्स्ट फॉर्म द बुक्स द बुक्स ओके लास्ट वीक पिछले हफ्ते का क्या बन गया नेक्स्ट वीक यानि आने वाला हफ्ता आई विल रिटर्न द बुक्स नेक्स्ट वीक यानि आने वाले हफ्ते में मैं अपनी किताबें रिटर्न कर दूंगा कैन यू सी द डिफरेंस हिर नाउ द लास्ट टू सेंटेंसेज यू हैव टू डू ऑन योर ओन खुद से ट्राई करेंगे एंड सेंड मी द पिक्चर्स फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज नंबर वन